ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा रविवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छपरा जिले के सभी व्यवसायी वर्गों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन छपरा विधायक डॉक्टर सी एन गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ गुप्ता, जिला अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण प्रकाश और अधिवक्ता गंगोत्री प्रसाद संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विश्व वैश्यों की आपसी मजबूती एवं एकता पर विशेष बल दिया गया। जगन्नाथ गुप्ता ने बताया कि आगामी चुनाव में वैश्य समाज के प्रत्याशी अधिक से अधिक संख्या में अपनी जीत सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा समाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हर क्षेत्र के लोगों को भी विशेष तौर पर सम्मान प्रदान किया गया। जिला अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण प्रकाश और अधिवक्ता गंगोत्री प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि वैश्य हित के लिए इस प्रकार का आयोजन बेहद अहम है। पूरा वैश्य समाज एकजुटता को रखनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार, भारोत्तोलन के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिवेश राज, राहुल कुमार, प्रियांशु कुमार, संगीत जगत से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर चुकी प्रियंका कुमारी, सुषमा सोनी, गोल्डी गुप्ता, अंजलि राजपूत, श्रेयांशी प्रकाश, वही शिक्षा जगत से दिव्यांशी वर्मा को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण प्रसाद, प्रदेश वरिष्ठ अध्यक्ष गंगोत्री प्रसाद, जिला प्रभारी एवं महामंत्री उमाशंकर प्रसाद, महासचिव मनीष गुप्ता, कृष्ण कुमार आजाद आदि ने कार्यक्रम का संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय वैश्य सम्मेलन के अध्यक्ष आदित्य अग्रवाल द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रदेश उपाध्यक्ष वरुण प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में सबसे विशेष बात ये दिखाई दिया कि सारे लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाया। सम्मेलन के महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुषमा सोनी, हम लोगों की यही मांग है सरकार से कि सब लोगों को तो मौका मिलता ही है, हम वैश्य समाजों को भी एक मौका, एक चांस दिया जाए जो हम लोग कुछ कर दिखाएं और उसमें हम लोग सारी महिला का भी भागीदारी होगी। जितना भी हो सके हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और कुछ कर दिखाएंगे। जैसे वैश्य समाज में किसी भी सदस्य को मिले, हम लोग साथ पूरे तन मन के साथ उनका साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या नाम है आपका? सुषमा सोनी। वैश्यों के सीट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बिहार में संगठन के माध्यम से हम एनडीए गठबंधन के नेताओं से मांग करते हैं कि हमारी आबादी जो 24% है उसके हिसाब से 50 सीट वैश्य समाज का बनता है। वैश्य समाज के आने वाले विधानसभा में एनडीए गठबंधन 50 सीट वैश्य समाज दे, नहीं देंगे तो हम लोग आगे निर्णय लेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन बहुत बड़ी ताकत है, संगठन के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि हमारा अधिकार बनता है, क्योंकि वैश्य समाज 100% हमारी भागीदारी जो है एनडीए गठबंधन के साथ है। जब 100% भागीदारी एनडीए गठबंधन के साथ है तो हिस्सेदारी भी हम एनडीए गठबंधन से ही मांगेंगे और हमारा उम्मीद है कि एनडीए गठबंधन 40 सीट वैश्यों को देने का काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा का यहाँ पर आगमन हुआ है, उस आगमन के तहत हम लोगों ने एक वैश्यों को एकत्रित करने और नया संदेश देने के लिए